नमस्कार, आज हमारे साथ हैं रुचिर शर्मा। रुचिर शर्मा मॉर्गन स्टैनले के चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट हैं और एमर्जिंग मार्केट्स के हेड हैं। वो एक बड़े इकोनॉमिस्ट होने के साथ ही ग्लोबल थिंकर भी हैं और राइटर हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक ग्लोबल बेस्ट सेलर बुक लिखी थी जो ब्रेकआउट नेशंस एमर्जिंग इकोनॉमीज के ऊपर थी, और अब उनकी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस आई है जिसमें 10 रूल के जरिए इकोनॉमीज को परखने की कोशिश की गई है। आइए उनसे हम इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी और उनकी किताब पर बात करते हैं। अभी जो राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस आपने जिस तरह से कहा, इंडियन इकोनॉमी को आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो ये है दैट आज का जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है ये बहुत ही डिफिकल्ट एनवायरनमेंट है, कि अगर आप सारी कंट्रीज देखेंगे दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिनों हेल्दी है। और पिछले डेकेड के मुकाबले, जैसे 2007 जो पीक ऑफ द इकोनॉमिक बूम था ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, उस साल कोई 60 कंट्री थी वर्ल्ड में, 60 नेशंस इन द वर्ल्ड, जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ 60% से ऊपर थी। पिछले साल दुनिया में सिर्फ 8 या 9 नेशंस थे जिसकी जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ 7% से ऊपर थी। तो सब जगह इकोनॉमिक ग्रोथ मच वीकर चल रही है इस डेकेड। इस कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन इकोनॉमी है, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कोई 5 या 6% इकोनॉमिक ग्रोथ पर अभी चल रही है। कई जगह से सवाल भी उठे हैं कि ये जो हमारा जीडीपी का जो आकलन का पैमाना है और उसमें जो ये सब डिफ्लेशन और ये सब चीजें लिया गया था, तो ये इसको लेकर के आपका क्या विचार है? नहीं, इस पर तो मैंने पिछले फरवरी जब इन्होंने ये पूरी मेथोडोलॉजी चेंज करी थी, मैंने तभी कहा था कि इसमें कुछ गलत बात है, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है ये 7 या 8% पर अभी इसकी ग्रोथ रेट नहीं है, और इसमें बहुत ही मतलब टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है कुछ कवर अप करने के लिए, पर ये जो CSO है, आई कॉल इट इनकॉम्पिटेंट, कि इन्होंने जो मतलब न्यू मेथोडोलॉजी फॉलो करी है, दे हैवंट थरली स्टडीड इट एंड दे हैव यूज्ड अ न्यू मेथोडोलॉजी। और इसमें टेक्निकल बात है कि जो GDP डिफ्लेटर है जी, ये बहुत ही लो नंबर इसमें यूज हो रहा है, एंड सो दैट देयरफॉर आई थिंक जो रियल ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी की वो 5 या 6% है, 7 या 8 नहीं। अच्छा। और इस माहौल में 5 या 6% भी ठीक है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, पर ये 7% जो अभी कोई इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होती है, देन द फील ऑन द ग्राउंड इज वेरी डिफरेंट। तो इन टर्म्स ऑफ ये जो नई मेथडोलॉजी है, इसको इन्होंने बहुत जल्दी इस सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, बिकॉज इट सूट्स द गवर्नमेंट्स नैरेटिव। सो आई थिंक दैट इज द एंटायर प्रॉब्लम, दैट बिकॉज इट सूट्स द गवर्नमेंट्स नैरेटिव, उन्होंने बहुत जल्दी ये न्यू मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर ली, और इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और लोग लिख रहे हैं इसके बारे में। इन टर्म्स ऑफ अभी हाल ही में एक आर्टिकल आया था इकोनॉमिस्ट मैगजीन में, हाँ, और वहाँ पर भी बोल रहे हैं कि बच्चे जो काउडंग की वैल्यू है उसको मतलब लेके भी इंक्लूड हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इंडियन डेटा के ऊपर कभी भी इसके पहले इतने सवाल नहीं उठे थे। 2015 के पहले जो भी इंडियन डेटा था इस पर, हाँ, ये बात थी कि पूरा कैप्चर नहीं हो रहा था, पर इस पर कभी क्रेडिबिलिटी के सवाल नहीं उठे थे। जैसे चाइना का जो डेटा है, जब उस पर हमेशा क्रेडिबिलिटी के सवाल होते हैं, पर इंडिया भी अब चाइना के साथ इसमें जुड़ गया है कि इंडिया के डेटा पर भी अब क्रेडिबिलिटी के सवाल उठ गए। बट ये तो इकोनॉमी लिए अच्छा नहीं है अगर हम गलत आंकड़ों के आधार पर बाकी चीज़ें करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिकॉज अभी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, इस पर भी मतलब इफेक्ट होता है, क्योंकि RBI का एटीट्यूड है अगर हम 7-8% ग्रो कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट काटने की क्या ज़रूरत है, कि अगर इतना इकोनॉमिक बूम चल रहा है तो हम तो मतलब क्या ज़रूरत काटने के लिए। तो ये मेरा बिल्कुल मानना है कि इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर इस पर कोई करेक्टिव एक्शन होगा मुझे इस पर कोई उम्मीद नहीं है। तो चलिए इससे हम लोग आपके बुक पे आते हैं। आपने अपनी किताब में 4 Ds की बात की है, डी ग्लोबलाइजेशन, डी पॉपुलेशन, डी लिवरेजिंग एंड डी डेमोक्रेटाइजेशन। तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये 4 Ds जो है इसको? हाँ, क्योंकि मेरी किताब में मैंने ये लिखा है कि जो सारी थियोरीज हम बिलीव करते थे वो 2008 के क्राइसिस के बाद वो सारी थियोरीज उल्टी हो गई हैं। तो जैसे एक थियोरी थी ग्लोबलाइजेशन, कि दुनिया और कनेक्टेड हो रही है, ट्रेड हो, कैपिटल फ्लोज हो, इमिग्रेशन हो, इसके आधार पर द वर्ल्ड इज गेटिंग मच मोर कनेक्टेड। पर अगर आप इस डेकेड के ट्रेंड्स देखेंगे तो उल्टा हो रहा है,
ब्रेक्सिट को आप इसी में तो नहीं देखते? हाँ, ब्रेक्सिट इज अ फॉल आउट ऑफ दिस। अच्छा, सो पर आप अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल ट्रेड जो है अब वो मतलब श्रिंक हो रहा है। पहले तो ग्लोबल ट्रेड बहुत बड़ा है, अब वो ग्लोबल ट्रेड श्रिंक हो रहा है। और इंडिया भी क्या कर रहा है, दैट दे आर पुटिंग अप मच मोर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। तो प्रोटेक्शनिज्म सब जगह इंक्रीज हो रहा है। इंडिया इज द लीडिंग कंट्री इन दैट, इन इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। पर इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, आर यू सीइंग द डेथ ऑफ डब्ल्यूटीओ? नहीं, डेथ ऑफ डब्ल्यूटीओ तो मतलब थोड़ा ये है, पर ये बात है कि इस माहौल में टू डू एनी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैज बिकम मच मोर डिफिकल्ट। तो दैट्स व्हाई रीजनल ट्रीटीज आर हैपनिंग। एब्सोल्युटली। तो मतलब अब सारा फोकस इंडिया का भी होना चाहिए ऑन मच मोर रीजनल ट्रीटीज। ग्लोबल ट्रीटीज इस माहौल में करना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि ऑपोजिशन फ्रॉम डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूएस हो, यूके हो, काफ़ी है। पर इंडिया को जो है इसी रीजन में ट्रेड इंक्रीज करना चाहिए। और बांग्लादेश के साथ हम ट्राई कर रहे हैं, श्रीलंका के साथ हम और कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ ट्राई कर रहा था, पर वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान से इंक्रीज करना काफ़ी मुश्किल बात है। So I think that is the most important thing that we need to do much more now to increase the trade within the region, क्योंकि multilateral trade agreements अब नहीं होंगे। और दूसरी बात है capital flows, कि जो banks हैं, global banks हैं, उनके पास अब ना तो इतना पैसा है और ना इतना उनके पास risk appetite है कि वो ज़्यादा cross border lending करें। तो वो capital भी अब थोड़ा shrunk हो गया है। FI flows हैं, वो flows तो फिर भी आ रहे हैं, पर जो banking sector है जहाँ से ज़्यादा फ्लोज आए थे पिछले डेकेड, अब वो इतने सारे नहीं आ रहे। और तीसरी बात है इमिग्रेशन, कि अगर कि अब जो इमिग्रेंट्स हैं ये मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में एज यू वेल नो कि काफ़ी बैकलैश है। सो द फ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम द इमर्जिंग वर्ल्ड टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, उसमें भी काफ़ी स्लो डाउन आ गया है। तो मेरी ये बात है डीग्लोबलाइजेशन की, कि ये जो सारे हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि ट्रेड बढ़ेगा, कैपिटल फ्लो और बढ़ेगा, माइग्रेंट्स फ्लो और बढ़ेंगे, ये तीनों के तीनों अब कमज़ोर हो गए हैं इस डेकेड आफ्टर द क्राइसिस। सो दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ दैट, आई सेड दिस इज़ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वी नो इट। जो ग्लोबलाइजेशन पे इतना था, अब वो चेंज हो रहा है, एंड नाउ डी ग्लोबलाइजेशन इज बिकमिंग द न्यू बज़ वर्ड। एंड देन दिस डीपॉपुलेशन। हाँ, डीपॉपुलेशन बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम सब जब 1970s 1980s में इंडिया में और सब जगह सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम वी ऑल थॉट वाज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, कि मतलब जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 2% से काफ़ी ऊपर थी, 3% के करीब थी। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी हाई। अब क्या हो रहा है कि इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत गिर गई है। इनफैक्ट आज दुनिया में कोई 35 या 40 कंट्रीज हैं जहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रोथ, पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ बिटवीन 15 to 64, नेगेटिव हो गई है, घट रही है। तो जापान में, चाइना में, रशिया में, इन सब कंट्रीज में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अब घट रही है। सो दिस इज अ बिग चेंज विच इज हैपेंड। सो पहले था सारा क्राइसिस पॉपुलेशन ग्रोथ क्राइसिस था, अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है बहुत कम हो गई है और कोई 30-40 कंट्रीज में नेगेटिव हो गई है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट, इकोनॉमी को ऐसे करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ दैट जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो इसकी वजह से कम होगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ दो चीज़ों की वजह से होती है, एक तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, या दूसरी आपकी देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अब ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गई है, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी काफ़ी दुनिया में कम हो रही है। अब इस पर बहुत चर्चा रही है इंडिया पर, डेमोग्राफिक डिविडेंड करके बहुत चर्चा रही है, पर सो वो हमारे पास है। अब इंडिया का है, हाउ डू कन्वर्ट दैट, हाउ डू कन्वर्ट दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड। और अभी इंडिया में तो क्राइसिस यही है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज़ स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रिएट टू मेनी जॉब्स। तो जॉबलेस ग्रोथ अभी इंडिया इज़ अ फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो इसमें ये प्रॉब्लम है, बट कम से कम हमारे पास लोग हैं, क्योंकि अगर आप जापान में देखें और जर्मनी में देखें, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल हो ही नहीं रही। जापान में 0% इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, क्योंकि वहाँ पर लोग हैं ही नहीं। जी, बट आपको लगता है कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को उसका फ़ायदा लेने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है? मेरे ख्याल से क्या हो रहा है कि इसमें इतना फ़ायदा नहीं ले पा रही है, क्योंकि जो सारे मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट होते हैं वो होते हैं बाय लो एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। वो टॉयज़ बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, और उन चीज़ों में मुझे लग रहा है कि हम बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया मार्केट शेयर उनको मिल रहा है,
और श्रीलंका ऑल्सो, हाँ श्रीलंका भी मतलब और काम, पर बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया मार्केट शेयर काफ़ी उधर जा रहा है, चाइना का मार्केट शेयर इन चीज़ों में घट रहा है और वो इन नेशंस के पास जा रहा है। तो इसमें मतलब अब ये क्यों हो रहा है इज़ अ बिट ऑफ अ मिस्ट्री, या तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं है, लेबर लॉज इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसकी वजह से वो लोग उसका एडवांटेज उठा रहे हैं। और ये बाकी जो दो डी बचते हैं आपके, हाँ डीडेमोक्रेटाइजेशन एंड डीलेवरेजिंग, हाँ डीलेवरेजिंग, हाँ हाँ इसमें मतलब इंडिया का सिचुएशन थोड़ा बेहतर है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखेंगे डेट लेवल दुनिया में बहुत ऊपर गया है 2000 और ये 2008 के बाद चाइना और सब में डेट लेवल्स बहुत ऊपर गए हैं। अब किसी भी कंट्री में अगर डेट लेवल बहुत ऊपर जाए तो अगले 5 साल उसके लिए काफ़ी मुश्किल रहते हैं, ये मेरे किताब की रिसर्च ने दिखाया है। तो इंडिया में भी डेट लेवल है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास बहुत सारा डेट है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया की डेट सिचुएशन और नेशंस के मुकाबले काफ़ी ठीक है। और दूसरी बात आपकी है अबाउट डी डेमोक्रेटाइजेशन, इसका ये मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी नेशंस में डेमोक्रेसी जो है उस पर अब रिट्रीट हो रहा है, दैट नेशंस आर नॉट दैट की नाउ ऑन एक्सपैंडिंग ऑन डेमोक्रेसी। और जो नेशंस ने थोड़ी डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी थी, रशिया, टर्की, यहाँ पर अब थोड़ा रिग्रेशन हो रहा है, एग्जैक्टली वही यहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल आ रहा है। और मेरी किताब की रिसर्च ने यह दिखाया है दैट डेमोक्रेसी की वजह से आपकी ग्रोथ काफ़ी स्टेबल रहती है, पर अगर अथॉरिटेरियन रेजिम में या तो आपकी ग्रोथ बहुत हाई रहती है या बहुत लो रहती है, क्योंकि उस पर द एंटायर डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन वन और टू पीपल। अब उनको अगर राइट आइडिया आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर रॉन्ग आइडिया आ गए तो आपकी देन इट्स वेरी बैड फॉर योर इकोनॉमी। बिलियनर्स के ऊपर आपने कहा था कि लोग देश में इकोनॉमिक जो इक्विटी को लेकर के हैं, जो समानता थी उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही, असमानता बढ़ रही है, इसको आपने गुड बिलियनर, बैड बिलियनर एंड जीडीपी का कितना शेयर बिलियनर्स के पास है उसको किस तरीके से आपने देखा? नहीं, ये रूल मैंने इंडिया में सीखा था, क्योंकि 2010 में मुझे याद है कि इंडिया में इकोनॉमी काफ़ी ठीक कर रही थी, पर जो लोगों का एटीट्यूड था दैट वाज टर्निंग वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स वेल्थ। और ये हो रहा था क्योंकि उस टाइम इंडिया में क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत रैम्पेंट था। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम इट अकर्ड टू मी दैट हमें देखना चाहिए कि ग्रोथ तो ठीक है, बट टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ क्रोनी कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी वजह से लोगों का मन टूवर्ड्स कैपिटलिज्म और टूवर्ड्स वेल्थ काफ़ी अगेंस्ट हो रहा था 2010 में जी। और क्योंकि तो मैंने फिर ये अपना बनाया दैट इफ़ यू लुक एट द बिलियनर्स ऑफ अ कंट्री दैट कैन टेल यू दैट इफ अ नेशन इज सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग गुड काइंड ऑफ वेल्थ और बैड काइंड ऑफ वेल्थ। और अगर बहुत ज़्यादा बैड वेल्थ क्रिएट हो रही है कंट्री में तो उसके वजह से यू विल गेट अ बैकलैश अगेंस्ट दैट वेल्थ क्रिएशन। और ये इंडिया में हो रहा था, क्योंकि अगर आप दो पिछले डेकेड स्पेशली 2005 और 2010 के बीच में इंडिया में जो सारे बिलियनर ऊपर आ रहे थे वो आ रहे थे उस इंडस्ट्री से जहाँ पर गवर्नमेंट कनेक्शन काफ़ी लेना पड़ता था, रियल एस्टेट, माइनिंग, इन टेलीकॉम, हाँ टेलीकॉम की भी बात। तो गवर्नमेंट कनेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे बिलियनर ऊपर आ रहे थे, और जो टेक्नोलॉजी के या मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, वो ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहे थे। और जो सेकेंड मेरा एस्पेक्ट है बिलियनर रूल का, वो है कि अगर एक नेशन में बहुत सारे बिलियनर्स हों एज अ शेयर ऑफ दैट इकोनॉमी तो उसमें भी कुछ गड़बड़ बात है, बिकॉज इंडिया में रशिया के साथ सबसे ज़्यादा बिलियनर्स थे एज अ शेयर ऑफ द इकॉनमी। और तीसरी बात उसमें थी दैट अगर आप लॉट ऑफ योर वेल्थ इज जस्ट इनहेरिटेड देन ऑल्सो इट लीड्स टू सम बैकलैश अगेंस्ट द वेल्थ। तो इसलिए मैंने ये रूल बनाया कि अगर आपको नेशन में देखना है कि बूम सस्टेन होगा कि नहीं, लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। और इंडिया में ये 2010 में काफ़ी ख़राब हो गया था इन तीनों रूल्स पर आज अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल में अगर आप कंपेयर करिए 2010 से और अभी, तो उसमें ट्रेंड चेंज आया है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो सारे काफ़ी वेल्थ डिस्ट्रक्शन रही है ऑफ द बैड बिलियनर्स, ऑन द अदर एंड गुड बिलियनर्स अभी और ऊपर आए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के वजह से, और नए नए बिलियनर बहुत आए हैं स्टार्टअप बूम के वजह से। तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन जो अभी इंडिया में हो रहा है। पर फिर भी किसी भी नेशन में टू हैव बिलियनर्स इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज यू नीड वेल्थ क्रिएशन। पर अगर बहुत सारे हो गए तो
उसकी वजह से इनइक्वालिटी इज नॉट एग्जैक्टली टू मच इनइक्वालिटी इज नॉट गुड. इसके अलावा एक आपका इसमें बुक में आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कर्स ऑफ कवर स्टोरी. हाँ सो ये टाइम मैगजीन जब भी कहता है कि ये देश अच्छा होने जा रहा है उसके बाद कुछ गड़बड़ हो जाता है उसके साथ में. ये किस तरीके से आपने उसमें मैंने अपना करियर 25 साल पहले शुरू करा था एज अ राइटर इन इंडिया. एंड जब मैं उस टाइम ये हमेशा मैंने फ्रेज सुना था इंडिया में द कर्स ऑफ द कवर स्टोरी और ये मैंने बाहर भी सुना था. तो ये मेरे दिमाग में रहा कि ये कर्स ऑफ द कवर स्टोरी का महत्व क्या है, दैट व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, व्हाट डज इट मीन. तो मैंने इसको टेस्ट करा दैट अगर इसका ये सुपरस्टिशन है या ये कोई ऐसा ही वहम है या वी शुड इसमें कोई इकोनॉमिक सब्सटेंस है. तो हमने देखा कि अगर टाइम मैगजीन विच इज़ अ वेरी पॉपुलर मैगजीन विच कैप्चर्स द ग्लोबल ओपिनियन वेरी वेल, अगर टाइम मैगजीन के कवर स्टोरी पे इफ सम कंट्री वाज प्रोजेक्टेड इन अ वेरी पॉजिटिव वे तो अगले 5 साल में मोर ऑफन देन नॉट दैट कंट्री वुड नॉट डू वेल. ऑन द अदर हैंड अगर कोई इफ अ कंट्री वाज प्रोजेक्टेड इन अ वेरी नेगेटिव वे तो अगले 5 साल में दैट कंट्री वुड डू मच बेटर. और इसमें इकोनॉमिक लॉजिक है क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ट्रेंड्स हैं टिपिकली वो ट्रेंड्स लास्ट अबाउट 5-10 years. पर बाय द टाइम दैट ऑल ऑफ अस जो एडिटर लोग हैं उनमें उतनी हिम्मत होती है कि इस ट्रेंड को कवर पर डाले क्योंकि इतना ट्रेंड इतना बड़ा है. काफ़ी बार ये होता है कि वो ट्रेंड ऑलरेडी 4-5 साल तक चल रहा है बिकॉज ओनली देन यू गेट द कन्विक्शन कि इसको हम कवर स्टोरी पर डालें. और दूसरी बात है कि अगर कोई कंट्री कवर पर आती है तो उसके लीडर्स जो हैं थिंक दैट वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. ऑन दी अदर हैंड इट्स ऑन जो मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहते हैं और इंडिया की भी बात है 91 में देख लीजिए या अभी भी 3 साल पहले 2013 में देख लीजिए, मैक्सिमम रिफॉर्म्स जो होते हैं वो होते हैं जब कोई कंट्री जो है वे द बैक इज टू द वॉल, दैट वो उनको बिल्कुल प्रेशर में है और कुछ करना है ठीक करने के लिए, दैट्स व्हेन द मैक्सिमम रिफॉर्म्स हैपन. तो इसलिए दिस कर्स ऑफ द कवर स्टोरी हैज इकोनॉमिक सब्सटेंस टू इट, ऑल्सो इज अ पोलिटिकल लिंक टू इट. क्योंकि अगर आप कवर स्टोरी पर हैं तो आपको लगता है दैट ठीक है यू नो हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. और मेरा ये पॉइंट इस सरकार के लिए भी है, जैसे अभी GST पास हुआ जो जिसमें मुझे लोगों ने बहुत पूछा दैट ये अच्छी बात है GST पास हुआ, बोला हाँ अच्छी बात है पर अच्छी बात है अगर इसको लेके ये और कुछ करें. पर अगर यही बोलते रहे GST हो गया तो इससे कुछ ज़्यादा होने नहीं वाला है, यू हैव टू टेक द मोमेंटम फॉरवर्ड. एक और इंटरेस्टिंग आपने कनेक्ट किया पॉलिटिकल, कर्स ऑफ सेकंड टर्म. बिल्कुल. तो कोई भी जो लीडरशिप है उसका एक टर्म अच्छा है अगर उसको सेकंड टर्म भी मिल जाता है दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. हाँ एज पर योर एनालिसिस. हाँ मतलब ये मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस पे आधारित है दैट इफ यू लुक एट द वर्ल्ड टुडे हमने ये देखा है दैट पहले 2 साल में टिपिकली सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स होते हैं ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट स्पेशली लाइक इन अ डेमोक्रेसी. उसके बाद वो थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एंथुसियाज्म फॉर कैरिंग आउट मोर रिफॉर्म. और ये सबसे आश्चर्यजनक बात मेरे लिए किताब में ये रही जब हमने रिसर्च करा दैट अगर कोई लीडर ने फर्स्ट टर्म में अच्छा काम किया और उसको आपने सेकेंड टर्म के लिए रीइलेक्ट करा पर उस सेकेंड टर्म में ज़्यादातर इतना अच्छा काम नहीं होता जितना फर्स्ट टर्म में हुआ. इसके अलावा आपका उसमें एक पॉइंट है कि न्यू सिटीज़ को लेकर के आपने बोला हाँ. है कि 2 सिटीज़ थ्योरी और उस तरीके का मेगा सिटीज़ को हाँ. लेकर के तो उसमें तो आपकी बुक में एग्जांपल है कि चाइना ने कई सारे मॉडर्न ऑलमोस्ट डजन न्यू सिटीज़ हाँ. जो मिलियन पॉपुलेशन वाले हैं हाँ. और इंडिया में हम लोग कोल्लम और एक और सिटी है वहीं तक मल्लपुरम और वो भी मतलब हाँ मतलब वो भी एक्सटेंशन है. हाँ वो भी एक्सटेंशन है. तो मतलब इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए दैट जो सारी दैट यहाँ पर जो है नई सिटीज़ नहीं आ रही. नई सिटीज़ आने से इट टेल्स यू दैट ग्रोथ इज सॉर्ट ऑफ गेटिंग मोर डिस्ट्रीब्यूटेड गेटिंग मोर बैलेंस एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आर अराइजिंग. सो दिस इज अ सिम्पटम ऑफ द फैक्ट दैट नॉट इनफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग अप. और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन सिटीज़ में है आप देख सकते हैं ये मॉनसून का सीजन है दैट दे नॉट बीइंग एबल टू हैंडल इट. आल्सो एग्जांपल इज अ गुड कॉज टू हैंडल बट आल्सो सो इंडिया में जो है जिसमें दिखाया है इस किताब में दैट 17% हमारी पॉपुलेशन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज इन दीज 5 सिटीज़. चाइना में जो उनकी मेगा सिटीज हैं 6 मेगा सिटीज़ हैं
और उन 6 मेगा सिटीज में लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन दोस 10 मेगा सिटीज. चाइना में ये ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पीपल इन अ फ्यू सिटीज इज नॉट देयर, और इंडिया में है और नई सिटीज नहीं आई हैं. आई थिंक दैट दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर मी. रुचिर, आपकी बुक में एक चीप इज गुड करके एक फ्रेज आपने अपने जो 10 रूल्स हैं उसमें के जो इकोनॉमी चीप है दैट इज गुड फॉर यानी फॉर गुड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, वो सब का आपने जिक्र किया, उससे क्या मतलब है उसका संदर्भ? हाँ, मेरा उसमें मेन पॉइंट ये है दैट ये काफ़ी पोलिटिकल पॉइंट बन जाता है. जैसे अगर किसी कंट्री की करेंसी थोड़ी वीक हो रही है तो मतलब पॉलिटिकल पॉइंट बन जाता है कि दैट्स अ साइन दैट आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है. और मेरा ये पॉइंट है दैट डेवलपिंग कंट्री के लिए, जो उभरती हुई इकोनॉमी के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, यहाँ पर चीप करेंसी एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है. तो चाइना के देखिए, उन्होंने अपनी करेंसी 20 साल से काफ़ी मतलब चीप रखी और उसके वजह से उनकी उनके एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी हेल्प थी. सो एक्सपोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ. और इंडिया में अभी अच्छी बात है, जो करेंसी हमारी है अभी 67 पर चल रही है अगेंस्ट द डॉलर, ये काफ़ी अच्छा लेवल है क्योंकि मतलब इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स को थोड़ा बहुत तो हेल्प है. अभी एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है आज एक्सपोर्ट्स के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, ये मैंने माना, पर फिर भी इट इज़ बेटर टू हैव अ चीप करेंसी टू हेल्प एक्सपोर्ट्स रादर देन एक्सपेंसिव करेंसी. जैसे ब्राज़ील, रशिया, 5 साल पहले इनकी करेंसी इतनी एक्सपेंसिव हो गई थी कि यहाँ पर होटल के जो रूम रेट थे वहाँ कोई $1,000 के पास पहुँच गए थे. इंटरेस्टिंग फ्रेज आपने दी है, फॉलो द लोकल मनी. हाँ, सो फॉलो द लोकल मनी मतलब किसी भी इकोनॉमी को परखने के लिए कि वो इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है. हाँ, वो आपने उसमें बताया. हाँ बिल्कुल, ये इस पर हमने बहुत रिसर्च करी क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि जो ये फॉरेनर्स हैं ये पैसा कंट्री में लगाते हैं और ये जब पैसा कंट्री से बाहर ले जाते हैं तो वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ फॉरेनर्स कॉज इकोनॉमिक क्राइसिस. इस पर बहुत पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हुए हैं. महातिर मोहम्मद ने पूरे जॉर्ज सोरोस के साथ 1998 में पूरी लड़ाई इस पर हुई थी. तो हमने इस पर काफ़ी रिसर्च करा और हमारा जो कंक्लूजन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, विच इज़ दैट जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं आप उनका बिहेवियर देखिए क्योंकि 2 साल पहले किसी इकोनॉमिक क्राइसिस से सबसे पहले पैसा वो कंट्री से बाहर ले जाते हैं किसी भी फॉर्म में. अगर 1991 क्राइसिस में भी जो काफ़ी इंडियंस थे लोकल या NRIs थे वो पहले पैसा बाहर ले गए थे, जो फॉरेनर्स हैं वो सबसे लास्ट में अपना पैसा बाहर ले जाते हैं. ये टिपिकल पैटर्न रहता है हमारे कंट्रीज में. तो अभी क्या इंडिया में ट्रेंड रिवर्स हो? हाँ, मतलब इंडिया में ये अच्छी बात है. अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 2010 और 2014 तक काफ़ी इंडियन बिजनेसेस या लोकल इंडियंस हैं ये कंट्री से पैसा बाहर जा रहे थे और यह पैसा गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा था काफ़ी. ये पिछले 2 साल में बहुत कम हुआ है. अभी जो 2 साल होने को जा रहे हैं सरकार ने मेक इन इंडिया का एक बड़ा पॉलिसी और एक कैंपेन शुरू किया और उसको काफ़ी महत्व दिया है. हालांकि इसके पहले भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में उसका भी टारगेट था कि 25% जो हम लोग GDP का मैन्युफैक्चरिंग को ले जाएं. इसमें अभी तक इन 2 साल में आपका क्या इसको लेकर के आकलन है कि वाकई हम उस डायरेक्शन में जा पा रहे हैं और ये सक्सेस हो रहा है मेक इन इंडिया, या इसमें खामियाँ हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? नहीं, अभी इसमें बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है एंड आई थिंक दैट इसमें अभी मैंने कुछ ज़्यादा साइंस नहीं देखे हैं कि मेक इन इंडिया में इम्प्रूव हो रहा है. FDI और आ रहा है, ये अच्छी बात है, और थोड़े प्रोजेक्ट्स और अनाउंस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो लाइक टू डू मोर वर्क हियर, पर इसमें कुछ ज़्यादा अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं रहा है क्योंकि इस कंट्री में चेंज करना बहुत ही मुश्किल बात है और ये बहुत स्लो प्रोसेस है. तो ये प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस की बात है कि इतने सारे जब स्लोगन होते हैं, इतने सारे जब नारे होते हैं तो मतलब उनको कैसे कन्वर्ट करें, उसकी ये प्रॉब्लम है इस कंट्री. बेसिकली यू फील के स्लोगन की तरह ज़्यादा है. और जो FDI आ भी रहा है अगर आप देखें वो तो ज़्यादातर आपका सर्विस सेक्टर में या बिल्कुल उस तरफ जा रहा है, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं या उसमें तो कहीं उसमें मतलब काफ़ी कम है. एग्जैक्टली, काफ़ी कम प्रोग्रेस है और इसमें बहुत टाइम लगेगा. इसमें मतलब आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का डिज़ाइन सिस्टम चेंज करना है तो इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगेगा. पर आई एम सेइंग दैट मैंने किताबें 10 रूल प्रेजेंट करें. हाँ, और अगर आप पूरे 10 रूल में देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इंडिया इज 4-5 रूल में काफ़ी अच्छा कर रहा है, 2-3 में काफ़ी ख़राब कर रहा है और 2-3 में कोई
ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा। आपने तो खैर 10 रूल्स डिफाइन किए हैं, सारी बातें किए, एनी 3 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी जो कि आज के समय ज़रूरत है इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने की, एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएटेड जो ग्रोथ है उसको लेकर के? नहीं तो मतलब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मेरे ख्याल से होगा नहीं, पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, क्या 70% शेयर किसी भी कंट्री में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हों, दैट इज़ नॉट गुड फॉर एन इकॉनमी। और इस तो रिफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेटाइजिंग सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू मी शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। अगर वो होगा, नहीं मेरे ख्याल से वो नहीं होगा, पर आप पूछते हैं कि 3 क्या चीज़ करनी चाहिए, तो एक तो वो होना चाहिए। सेकेंड मेरे ख्याल से जो हो रहा है इंडिया में और मुझे और होना है कि वो आप स्टेट्स को और पार दीजिए, और वो थोड़ा और वो हो रहा है, पर आप और भी दीजिए, जैसे इन टर्म्स ऑफ आप स्टेट्स को इंकरेज करिए कि आपको आपको जो अपनी लेबर लॉज बनानी है, लैंड लॉज बनाने हैं, आप करिए, क्योंकि सेंटर से करना बहुत मुश्किल बात है, पर स्टेट्स को आप और पार दीजिए ये लॉज चेंज करने के लिए, जैसे स्टेट्स में ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़े। और तीसरी बात है मैन्युफैक्चरिंग में ये जो डिफेंस है या बहुत हाई टेक्नोलॉजी चीज़ है, इस पर आप ज़्यादा एम्फोसिस मत करिए, आप लो एंड मैन्युफैक्चरिंग पर एम्फोसिस करिए, क्योंकि वहाँ पर जॉब क्रिएशन होता है। एंड फॉर अ रिलेटिवली पुअर कंट्री लाइक इंडिया, यू शुड फोकस ऑन दोज काइंड ऑफ बेसिक डेवलपमेंट ऑफ गुड्स, नॉट ऑन दीज वेरी हाई एंड गुड्स। मेरे ख्याल से ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन में जो हमारे आउट गोइंग RBI गवर्नर रघुराम राजन है, उन पर मैं करूँगा कि एक तो उनके इस टेन्योर को आप कैसे देखते हैं, और ये सेकेंड टर्म को लेकर के कंट्रोवर्सी आई है, तो बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशनल, तो और वो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से नहीं आए, सो वर्ल्ड नॉन प्रोफेशनल है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मेरी बात उन पर यह है कि मेरे ख्याल से उनकी इमेज बहुत बड़ी हो गई थी, और सरकार को किसी भी सरकार में जो लगता है, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में, अगर किसी इंडिविजुअल की इमेज बहुत बड़ी हो जाए तो वो सिस्टम ज़्यादा टॉलरेट नहीं करता, तो उनका मेनली ये प्रॉब्लम रहा, दैट उनकी इमेज बहुत बड़ी हो गई थी और वो सरकार के साथ ज़्यादा बैठ नहीं रही थी, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ सरकार, नो गवर्नमेंट स्पेशली इन इंडिया लाइक समवन टू अ वेरी हाई प्रोफाइल। और मेरी पर उन्होंने जो काम किया वो मेरे ख्याल से उस पर कुछ ज़्यादा डिबेट नहीं है, कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इंडिया के लिए, इट वॉज़ वेरी गुड फॉर इंडियाज इमेज, और इन्फ्लेशन जो है वो उनके टर्म के उनके टर्म में काफ़ी नीचे आया, तो इनफैक्ट उनका एक ये बेनिफिट है कि वो ही इज़ लीविंग द कंट्री व्हेन पीपल कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाई एंड नॉट व्हाई नॉट। तो 3 साल उन्होंने जो भी काम करा, आई थिंक दैट लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं, ये आई थिंक टेल्स यू ऑटोमेटिकली कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा। रुचिर, आपने हमसे बातचीत की और इंडियन इकोनॉमी को लेकर, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, और आपकी जो बुक है उसको लेकर के, आपका धन्यवाद टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।